यीशु का प्यार एवं शांति आपके दिलों में सदा बने रहे। बच्चों, तुम्हें प्रभु का आशीष चाहिए, तब अनुसरण करने के लिए तैयार रहो। बच्चों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि पढ़ नहीं पाता, जो पढ़े हैं याद नहीं कर सकता, रात में डर लगता, बहुत तरह का शिकायत। आज उस सवालों के जवाब, शिकायत के उत्तर आज प्रभु प्रवक्ता ग्रंथ के द्वारा हमें देता है। इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभु का वचन इस प्रकार है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। तो हमारा कल्याण होने के लिए सबसे पहला क्या काम है? शिक्षा ध्यान से सुनना है और उसको पालन करने के लिए तैयार रहना है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे, पिता का केवल नहीं माता का भी आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। बच्चों, ये बहुत ही सुंदर वचन प्रभु हमें देते हैं। अगर आप प्रभु की आज्ञाकारी बनना है तो सबसे पहले अपने माता पिता की आदर करना पड़ेगा, उनकी अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने वही ईश्वर है। ईश्वर की इच्छा उनके द्वारा हमें प्राप्त होती है, और अगर आज उनकी आदर करने के लिए आप सीखोगे तो आप इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान हो सकते हैं। आज उनकी बातें समझकर उन्हें आदर करना, अनुसरण करना, सम्मान देना तुम कोशिश करोगे तो जरूर प्रभु तुम्हें आशीषों से भरेंगे। प्रभु का वचन इस प्रकार है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। शायद आपकी माता पिता बहुत ही गरीब हो सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन तुम याद रखना, उनके द्वारा ही तुम आज इस दुनिया में आ गए हैं, इस दुनिया के बारे में जानते हैं, तुम पढ़ सकते हैं, तुम सब कुछ कर सकते हैं। और आगे बढ़ने में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। इस वचन को ध्यान से समझना है। वचन है, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। यहां पर पिता बोलने से माता को भी हम लोग जोड़ना है। माता पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। हमारे भविष्य में अपने बच्चों से या अपने साथ रहने वाले लोगों से सम्मान मिलना है, सुख मिलना है, हमारे जीवन में सबसे पहले अपने माता पिता को सम्मान देना है, आदर करना है। हम जानते हैं मकाई बोने से मकाई मिलता है, गेहूं बोने से गेहूं मिलता है, प्याज नहीं मिलता, आलू बोने से कभी बजरा नहीं मिलता। जो तुम बोएगा वो तुम पा सकोगे। इसलिए आज जिस प्रकार तुम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह तुम्हें भी वापस मिलेगा।
एक कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ा सा पापा बहुत ही बूढ़ा हो चुके थे, इसलिए जो भी बर्तन वो उठाएगा, कांच का बर्तन हो जो भी हो उठाएगा, उसके हाथ से गिरकर टूटता था। तो उसका बेटा एक काम किए, उस बेटा के अपना बेटा छोटा बेटा के साथ जंगल गए और जंगल में पापा और बेटा लकड़ी काट रहे थे। तो छोटा बेटा अपना बेटा से अपना पापा से पूछा, क्या पापा क्यों इस लकड़ी को काट रहे हैं? तो पापा बेटा को समझाया, बेटा हमारा बाबा हमारा दादा बहुत बर्तन तोड़ दिया है, इसलिए उनको खाना खिलाने के लिए मैं इस लकड़ी को काट रहा हूं, लकड़ी वाला बर्तन में उसको खिलाएंगे। तो बेटा ने कहा, पापा ऐसी बात है तो आप एकदम मजबूत वाला लकड़ी को काटिए, ताकि जब आपके समय आएगा मैं आपको उसी में खिलाएंगे। देखिए छोटा सा बात है, आप सोचेगा छोटा बात है, लेकिन यही हालत है। जिस प्रकार तुम अपने पिता के साथ व्यवहार करेगा, उसी तरह तुम्हारे बच्चों से तुम्हारे लाइफ में हो जाएगा। जो तुम बोएगा वही तुमको काटने को मिलेगा। आइए इस वचन से हम लोग इस प्रकार सीखेंगे, हम अच्छे व्यवहार करके पापा मम्मी को अनुसरण करके आज्ञाकारी बनकर हम ईश्वर से अनुग्रह पाएंगे। अनुसरण करने वालों को अनुग्रह देने वाला है हमारा प्रभु। इसलिए प्रभु की इच्छा हमारे माता पिता गुरु बड़े लोग के द्वारा हम जानेंगे और उनको आदर करते हुए ईश्वर की अनुग्रह की प्राप्त हम करेंगे। सबों को जय यीशु।